तो क्या वसीम भी मीरब के बगैर नहीं रह सकते? पूछ ले इनसे, बोलिए ना वसीम। मुनीरा, मैं पापा जान को नाराज करके जाऊं, अब ये भी तो मुमकिन नहीं है ना। क्या चाहती हो कि अगर तुम नहीं रहोगी तो क्या बच्चा यतीम खाने में पलेगा? जिंदा तो रहेगा ना, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन उमरदीन से किया वादा तो निभा जाऊंगी। तुम सच में मीरब को छोड़कर जा रही हो? तलाक के दाग से तो बेहतर है ना बेटी की जुदाई का काम। पर से मम्मी का झूठ। तुमने बाबा जान की धमकी को इतना सीरियस ले लिया? तुम देखना, एक तरफ तुम बेटी को जन्म दोगी और दूसरी तरफ हमारी तलाक की बात भी सच हो जाएगी, सिर्फ मम्मी की एक झूठ की वजह से। कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटियों के लिए हर जुल्म सहने के लिए तैयार। लेकिन मानूर तुम? हाँ सच कह रही, गुजार लूंगी जिंदगी अपनी बेटियों के साथ और कभी पलट कर इन रिश्तों को नहीं देखूंगी जिनकी वजह से हमें यह सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अम्मा का एतमाद तो ऐसा है जैसे बेटा बेटी पैदा करना हम औरतों के हाथ में होता है। मानूर, मैं मीरब को तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। कैसी बातें कर रही, ये भी कोई कहने की बात? तुम बिल्कुल भी परेशान मत, जैसे मरियम मेरी बेटी बिल्कुल वैसे ही मीरब भी मेरी बेटी। काश तुम इस दफा बेटा होता। अपने ही हो रहा तो क्या करें, ये सब तो अल्लाह के काम है ना। बेशक। हमारी बात सुनने का इनाम। अब इसके वजन से अंदाजा लगा लो कि काम होने पर हमारी इनायतों का वजन कितना होगा। अगर ऐसा हो जाए तो मेरे तो सारे दलदर दूर हो जाएंगे, सुकून की जिंदगी गुजार दूंगी। सफिया इधर आओ। जी आप आई। मेरे पास आके बैठो। जी। अरे छोड़ दो। जी जी आप आ रही। जी इस हालत में भी सारा काम करती रहती हूँ, आराम भी कर लिया करो। बस आपा हांडी रोटी कर लूँ फिर आराम ही आराम है। मुझे ना उन लोगों से बहुत डर लग रहा है, उन्होंने तुम्हारी तलाश खत्म नहीं की है। बहुत कीना परवर लोग हैं वो, मुझे लगता है कि वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। आपा मैं अभी जीना चाहती हूँ अपने बच्चे के लिए। तो फिर बच्चा कहाँ छुपा के रखोगी? और देखो भाई, हो सकता है तुम्हारे चक्कर में मेरी भी जान चली जाए। अल्लाह ना करे अप्पा, मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगी। बस मेरे बच्चे की पैदाइश तक मुझे बना दे दे, जैसे ये दुनिया में आएगा मैं कहीं चली जाऊंगी। कोई ना कोई तो होगा आप जैसा अल्लाह का नेक बंदा जो मुझे बना दे देगा। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अब मैं जाके हांडी रोटी देखती हूँ। हाँ हाँ जा जा आराम से। हाँ आराम से। जी जी आप बैठे हैं, कॉफी आते हैं। ठीक है। ला
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं आप और मिलने की वजह जान सकता हूँ? मेरा नाम चौधरी अकबर है और ये चौधरी असलम मेरा भाई। जी जी, आप चौधरी हाशिम से तो बखूबी वाकिफ होंगे। क्यों नहीं, हमारा बेहतरीन दोस्त, बचपन साथ गुजारा है, हम सगे ताए हैं हमारे। अच्छा 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 अच्छा, तो आप चौधरी इकराम के बेटे हैं। ताया जी ने हमारी परवरिश बड़े प्यार और मोहब्बत से की है वो तो आप जानते ही हैं जी। उनकी बेटी सफिया, जो मेरे भाई असलम की मांग भी थी, उसने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। एक मिनट, मैं सब जानता हूं, इसलिए इस किस्से के बारे में कोई बात ना कीजिएगा वरना हमें बहुत तकलीफ होगी। सफिया ने जो कुछ किया वो गलत था, लेकिन बैरून मुल्क जाने से पहले चौधरी हाशिम ने उसे माफ कर दिया, बल्कि उसे तलाश भी करते रहे। खुदा जाने वो इस दुनिया से मुंह मोड़ बैठी है, लेकिन इसका सबूत नहीं है कोई। जी, हमारे लोग जो उनका ताकुब कर रहे थे, यकीन दिलाया है कि वो मारी जा चुकी है। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं? तायजन के ड्राइवर ने बताया है कि तायजन की आखिरी मुलाकात आपसे हुई है और उन्होंने आपको कोई अमानत भी सौंपी है। उस अमानत से आपका क्या ताल्लुक है? मेरे कहने का मकसद है कि आप वो अमानत हमारे हवाले कर दें, उस जमीन के कागजात वगैरह, मालकियत वगैरह हमें मिलनी चाहिए। ये कागजात चौधरी हाशिम की बेटी सफिया की मिल्कियत है। वो जिंदा है या नहीं इसका अभी कोई सबूत नहीं है, और अगर खुदा ना खास्ता वो ना आई तो भी ये कागजात आपके हवाले नहीं किए जा सकते, क्योंकि चौधरी हाशिम की वसीयत के मुताबिक उनकी बेटी की गैर मौजूदगी में ये उनके हारियों की मिल्कियत है। मगर दलीलें सुनने का मैं आदि नहीं। वसीयत और अमानत की हिफाजत हमारा ईमान है। आप तशरीफ रखिए, मुलाजिम आपकी खिदमत और खातिर मदारत में कोई कसर नहीं उठा रखे। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। मरियम इधर आइए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। हजरा खालदा, आप लोगों को समझाया था ना कि मरियम और मीरब का ख्याल आप रखेंगे, क्यों नहीं सुनते आप लोग? मगर पीर साईं, मरियम बीबी और मीरब बीबी को छोटी बेगम साहिबा ने खुद बुलाया था। वो बाबा जान, वसीम भाई और मुनीरा जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि मीरब को अपने पास बुला लूं, इसे जरा मेरी आदत हो जाए। ले जाएं ना, ले जाएं बच्चों को। जी। आपको कई बार समझाया है कि आपको अपनी देखभाल करनी है, इनकी देखभाल नहीं करनी, आप क्यों हुक्म दूली पे तुली हुई है? बात को एक बार समझ लिया करें।
चलो बेटा खैर से जाओ। रोने की क्या जरूरत है, अपनी खुशी से जा रही हो ना। ये खुशी से कोई अपनी औलाद और वतन छोड़ता है भला? मैं तो बस वसीम को यहां से लेके जाना चाहती हूँ। तो फिर यहां से खुशी जाओ, अल्लाह तुम्हारे सुहाग को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तुम तो बाहिफाजत अपने सुहाग को लेकर यहां से जा रही, मेरे लिए दुआ करना। अगले महीने की 5 तारीख के बाद भी मेरा सुहाग सलामत रहे। क्या बदफाल मुंह से निकाल रही हो, अल्लाह तुम दोनों बहनों के सुहाग को सलामत रखे। अगले महीने की 5 तारीख तक क्यों? अगले महीने की 5 तारीख दी है डॉक्टर ने। पांच तारीख को बेटी मेरी गोद में होगी और उसको पैदा करने की सजा की सूरत में तलाकनामा मेरे हाथ। मानूर, काश मैं भी अपने सुहाग को यहां से लेकर कहीं दूर जा सकती। चलो बेटा, ये तो पागल हो गई है, तुम चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। मानूर, मेरी मीरब का ख्याल रख, इजाजत मिलेगी तो जरूर रखो, और तुम भी मेरी बेटी के लिए दुआ करना कि वो सेहत के साथ इस दुनिया में आए। मेरी बेटी, मेरी जान। वसीम बेटा, तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं तुम्हें दुआओं में रोक सकता हूं। बाबा जान मेरी मीरब का बहुत ख्याल रखिएगा। मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते बेटा। बेटी की जुदाई पर तो पत्थर भी आंसू बहाते होंगे। मैं तो फिर इंसान इस बाप हो अपनी मीरब का। अरे बेटा, गैरों में आप जा रहे हो, ये तो अपनों में रहे। वसीम भाई, मेरे ख्याल से आप लोगों को एयरपोर्ट के लिए निकलना चाहिए, रास्ते में रश भी होगा, कहीं बोर्डिंग के लिए देर ना हो। भाई साहब, मनीरा को अपनी दुआओं में रुखसत करें। जीते रहो बेटा, अल्लाह आपका निगहबान, अपने इलाज का खास ख्याल रख। एक दिन हमारे यहाँ मर्दाना हुलिये में आ गया नरगिस को गाना सिखाने के बहाने। अब तुम खुद भी समझदार हो ना, जवान लड़की है घर में। क्या बाबा, फिर रोकेगा, फिर तेरा सवाल, फिर मेरा वही जवाब।
ऊपर से हुक्म आया है, जो भी एहतियात सक्कात खैरात जमा कराओ उसकी रसीद लो। मेरे ऊपर वाले ने हुक्म दिया है कि इस हाथ दो इस हाथ को पता ना चले। रसीद बना के क्यों मुझे गुनहगार बना रहा बाबा? मैं तो वो कह रहा हूँ जो मेरी ड्यूटी है, और मैं वो कर रही हूँ जो मेरे रब ने मुझे ड्यूटी दी है। अच्छा सुन, ये तू रख और आइंदा मुझे टोकना नहीं और ना रोकना। चलती है। खाला, छोटी की दवाई खत्म होती जा रही है। अरे बस, अल्लाह ही कोई वसीला बना देगा। मैं देख। अरे अरे चंदा, तुम आओ आओ, अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। लो खाना खाओ। ना बहन, फंक्शन से आ रही हूँ, खा के आई हूँ। बांध के नहीं दिया वरना तुझे भी खिलाती। खाला, आज आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, और ये हेयर स्टाइल तो गजब ढा रहा है। काम का हिस्सा है ना, करना पड़ता है। जब तेरी शादी होगी ना, तुझे मैं इतना प्यारा सजाऊंगी कि लोग पूछते रह जाएंगे कहां से तैयार हुई है। अच्छा नरगिस, ये ले, ये बर्तन ले जा और जल्दी से खाले के लिए चाय बना कर लो। जी बहन, ये खर्चे के पैसे रख। चंदा, अल्लाह तुझे बहुत दे। सच में अगर तू हमारा ख्याल नहीं रखती ना, तो हम तो भीख मांग रहे होते। वैसे चंदा, मुझे तुझसे ना एक शिकायत करनी है। वो जो तेरा चेला है ना करिश्मा, वो हमारी नरगिस पे ना मैली नजर रखती है। क्या बहन, करिश्मा और मैली नजर? तुझे लगता है कि हमारी नजरों में मैल होगा? बस रहने दे। अरे अरे, मैं सच बोल रही हूँ। एक दिन हमारे यहाँ मर्दाना हुलिये में आ गया नरगिस को गाना सिखाने के बहाने। अब तुम खुद भी समझदार हो ना, जवान लड़की है घर में। नरगिस जवान लड़की है, लेकिन करिश्मा? बस मैं सब समझती हूँ, दुनिया देखी है मैंने। अरे अगर कहीं किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? अब मेरा मतलब है कि मेरी बात तो और है, और तुझे तो लोग महल्ले वाले झुक झुक के सलाम करते हैं। बस इसीलिए तुझे बताना पड़ रहा है कि बदनामी से डर लगता है। अरे चंदा, चाय तो पीती जा। रहने दे बहन, मुझे तेरी बदनामी से डर लगता है। खाला चाय पिए बगैर ही चली गई। आए जाने दे, ला मुझे दे चाय। अरे सफिया, बस कर दो, कितना काम करूँ, ये लो दूध पियो। आपा, आप क्यों लेकर आई? मैं खुद कर लेती, क्यों करती है इतनी खिदमत? मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। मैं नर्स हूँ और नर्स का काम है खिदमत करना। वैसे तुम इतने अमीर बाप की बेटी हो, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी है, आगे पीछे नौकर, और अब ऐसी जिंदगी। आपा, औरत की जिंदगी हमेशा दो हिस्सों में बटी होती है। पहली मैके की जिंदगी, जिसमें वो हुक्मरानी करती है। दूसरी ससुराल की जिंदगी, जिसमें वो किसी के गुलाम बनकर दो बोलों के अवस प्यार के सहारे सारी जिंदगी गुजार देती है। चाहे आपका ससुराल घास फूस की बनी झोंपड़ी ही क्यों ना हो, सब ऐशो आराम भूल जाती है। मुझे भी बस अपनी वही झोंपड़ी याद है, उसी की आदत हो गई है मुझे। के दो पल का साथ उम्र भर का सहारा बन गया, वरना मेरी पहली जिंदगी तो बहुत दुख भरी थी, और दूसरी असियतनाक।
मुझे बहुत डर लगता है इन कैदियों जैसी जिंदगी से कि कैसे फर्म हासिल करूं। पता है माँ का इतना स्ट्रेस लेना, अपनी जान की फिक्र करना बच्चे की सेहत पर बहुत बुरा असर होता है। पैदाइशी तौर पर बच्चा बीमारियां लेके पैदा होता है। अल्लाह ना करे आपा। ठीक कह रही हूँ, अमूमन ऐसे बच्चे या तो उनको शुगर होती है या यरकान लाहक हो जाता है। आपा इसीलिए मैं तुम्हारी खिदमत करती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखती हूँ ताकि बच्चा सेहतमंद पैदा हो। आपा आप सच में इंसान नहीं परिश्ता है। अच्छा कल हॉस्पिटल से ना वापसी पे मैं तुम्हारे बच्चे के लिए शॉपिंग करती हुई आऊंगी। अगले महीने की 10 तारीख दी है। जी ठीक है। अच्छा तुम दूध पियो, मैं खाना पका लेती। ठीक है चल। जी पूरा खत्म कर। जी जी बिल्कुल। जवाब दे, किसने दिया तुझे मोहब्बत का हक? बता वरना तेरी खाल उजड़ दूंगी मैं। जवाब दे। मुझे मेरे दिल ने। दिल ने? अपने दिल को है ना अपने सीने में दबा के रख। इस दिल पे हमारा कोई हक नहीं है, ये सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए है बस। हाय हाय अम्मा, करिश्मा सही तो कह रही है, जब सीने में दिल होगा तो किसी ना किसी के लिए तो धड़केगा ना। अगर दिल धड़कता ना तो सबसे पहले हमारे माँ बाप का धड़कता। हमारे मुंह पे लिपस्टिक ना होती, हाथ में चूड़ियां ना होती, कमर में लचक ना होती और ताली ना बजा रहे होते हम। बता कल वही। बस भी कर दे, मैंने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया है किसी को जो दिल दे बैठी हूँ तो। तुझे शर्म ना आई? अगर मोहल्ले से कोई उस घर से निकलते हुए देख लेता तो उस घर की क्या इज्जत रह जाती, बदनामी ना हो जाती। और जब तू घर जा जाकर लोगों की मदद करती है उस वक्त उनकी बदनामी नहीं होती क्या? ठीक तो कहती है करिश्मा, आधे से ज्यादा हमारी मेहनत की कमाई तो ये मोहल्ले वाले उड़ा लेते हैं जब उनको अपनी बदनामी का डर नहीं होता। क्यों करती है तू उनकी मदद? मदद करती हूँ मैं अपने रब को राजी करने के लिए कमबख्तों। तू मुझे जवाब दे। देगा मोहब्बत का नाम? तो मेरी मोहब्बत से रब क्या नाराज हो जाएगा? कैसी जबान चल रही तेरी? काट के निकल यहाँ से चल। जाओ और आ, खाने पे ना बुलाना मुझे, नहीं खाना तुम्हारे साथ, निकलो ऐसे। मोहब्बत करेगी ख्वाजा जरा, मोहब्बत करेगी। मानूर मानूर। जी क्या हुआ? क्या हुआ है? मीरब की तबीयत तो ठीक है, रो क्यों रही है? जब एक बच्ची को उसकी माँ से जुदा करके एक मुलाजमा की गोद में दे दिया जाएगा तो वो रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? तुम्हें इसके अलावा कुछ और आता है? मैंने बाबा जान से कहा था कि मीरब को मेरे पास रहने दे, वो बहुत खुश रहती, लेकिन नहीं, उन्होंने मंजूरा के हवाले कर दिया। देखा कितनी बुरी तरह रो रही है वो। मानूर मैं उसको यहाँ लाऊंगा, वो मरियम को भी जगा देगी, फिर पूरी रात जागती रहेंगी ये दोनों। साकिब मीरब भी आपका ही खून है, भतीजी है वो आपकी, भतीजी और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। मानूर प्लीज प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन। बात बात पे मुझे समझाने नहीं बैठ जाया करो, हर वक्त बच्ची बच्ची, कभी मरियम कभी मीरब। मैं खुद ही देख कर आ जाती। बेहतर पश पश पश, रोटी नहीं है, रोटी नहीं है, अब तो नानू के पास रहेगी मीरब, है ना? माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? बाबा जान की हुक्म है दूली, जाइए इन्हें मंजूरा को सौंप कर आइए। हर बात का गलत मतलब नहीं निकालते। भाई साहब ने तुम्हें इसलिए मना किया कि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं? नहीं, अपने वारिस अपने पोते की वजह से जो उनके बहुत करीब है,
तुम हद से ज्यादा गुस्ताख नहीं होती जा रही हो? आप क्या समझ रही, क्या आप मुझे तहफुज दे रही? नहीं माँ जी, आप मेरी और मेरी बच्चियों की जान को दांव पर लगा रही हैं। सब बोलो माँ नूर, ना आप बताएंगी क्या बाबा जान को वारिस कहां से लाकर देंगी? तुम एक ही सवाल को बार बार क्यों दोहरा रही? मैंने कहा है ना कि मेरी जिम्मेदारी, मैं कर लूंगी। ना कहां से करेंगी ये जिम्मेदारी पूरी? जींस कैसे बदलेंगी, एक बेटी को बेटा कैसे बनाएंगी? ऐसा बोलो, ऐसा जाओ, तुम जाके आराम करो, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी सब। जाओ जाओ। हमने वो माशरा देखा है जहां ना अखलाकी कदरें हैं और ना ही लिबास की कोई इज्जत है। करते मुझ पे, मुझे अपने बच्चे को बख्शते हैं बाबा जान, खुदा का वास्ता है। उन्हें अपने बाप पे रहम खाया था, जो मैं तुझ पर रहम करूं? हसन, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने शादी की है, आपने मुझसे मेरी राय पूछी, मैंने उमर दीन का नाम ले लिया, मैंने क्या गलती की? मैं समझा तुम असलम का नाम लोगी, बचपन से मैं तेरी शादी असलम से सोच के बैठा था, मगर तूने उस कमी कमीन के कदमों में मेरी पगड़ी रोल दी। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, बल्कि तुझसे पहले इस सपोले को मार दूंगा। नहीं बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, रहम। अगर भाई असल रब का वास्ता है, हाँ जोड़ती हूँ मैं आपके आगे, माफ कर दे। ला दे ऐसे। नहीं, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, माँ बड़े तेरे असनब, माफ कर दे, बाबा जान जाने दे, बाबा जान जाने दे, खुदा का वास्ता है बाबा जान। तेरा ये बेटा हमारी गैरत के लिए गाली है गाली, और ये गाली मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। असनब, ये हमारी इज्जत पर दाग है, और आज मैं इस दाग को मिटा के लाऊंगा। मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, आप लोगों की नजरों से गायब हो जाऊंगी। पहले भी भागी थी ना, देख ली कैसे ढूंढा तुझे, मगर अब तुझे मैं भागने का मौका नहीं दूंगा। असलम, ये देख, तू ये इन गया अपने बाप के पास। मेरे बच्चा मार डाला सालिम ने, मेरे बच्चे को मारेगा, मुझे भी मार डाला सालिम ने मेरे बच्चे। अरे सफिया, सफिया होश में आओ, जिंदा हो तुम? मेरा बच्चा, तुमने कोई भयानक ख्वाब देखा है? वो लोग मुझे अभी भी ढूंढ रहे हैं, जब तक सुकून नहीं मिलेगा, जब तक वो मेरे उमर दीन की इस निशानी को नहीं मिटा देंगे, मुझे नहीं मार देंगे, सुकून नहीं मिलेगा। बस एक ही रास्ता है, अगर तुम अपनी औलाद किसी और के हवाले कर दो तो उसकी जिंदगी बच जाएगी। नहीं बर्दाश्त होगा, कभी नहीं, मैं अपना बच्चा कभी किसी के हवाले नहीं करूंगी, मेरे जीते जी मेरा बच्चा किसी के पास नहीं जाएगा, मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, नहीं जाएगा। तो फिर अपनी आंखों के आगे उसे मरता हुआ देख सकोगी? नहीं आप, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। देखो, तुम मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज हो, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो लोग तुम्हें तलाश करते हुए यहाँ आ गए, और फिर इस वक्त कौन आया? मैं सब पापा, पापा दे आस। हाँ तो है,
अरे ये तो हमारे मोहल्ले का एक नंबर का बदमाश है, बदनाम आदमी है ये। शुक्र वो लोग नहीं है। कौन है? अरे मैं हूँ आपा, रशीद, शगुफ्ता का शोहर। हाँ तो इस वक्त क्या लेने आया है? आपा वो मेरी घरवाली की तबीयत बहुत खराब है। तो उसे हॉस्पिटल लेके जाओ। अरे ज्यादा खराब है, ऐसी हालत नहीं है कि उसे मैं अस्पताल ले जा सकूं। अच्छा एक मिनट रुको, तुम एक साइड पे रहना, आना नहीं। अच्छा रशीद, तुम्हें पता है ना मैं प्राइवेट केसेस नहीं लेती, हॉस्पिटल की तरफ से मुझे इजाजत नहीं है। अरे आपा उसकी ऐसी हालत अभी नहीं है कि उसको हॉस्पिटल तक लेके जाया जा सके। मेरे साथ अल्लाह के वास्ते चली चल, तेरा बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर। और देख जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे तेरे काम आऊंगा मैं। गुंडा हूँ, बदमाश हूँ, लफंगा हूँ, लेकिन वो तो तुम्हारे एरिया का ना, इसी महल का हूँ। क्या क्या सोच रही है? फीस का दूंगा ना दूंगा फीस। अच्छा एक मिनट रुको, आती हूँ। तेरी मेहरबानी। देखो उसकी बीवी की हालत ठीक नहीं है, दो चार घर छोड़ के उसका घर है। मैं अभी आती हूँ। अब मुझे अकेले में डर लगेगा। तो सुबह जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तब भी तो तुम अकेली रहती हो ना, और उसकी तबीयत बहुत खराब है। मुझे जाने दो, मैं जाके देख कर आ जाऊँ। अगर उसकी हालत ज्यादा खराब हुई तो उसे हॉस्पिटल भेज दूंगी, 10-15 मिनट का काम है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मर जाए। नहीं नहीं अल्लाह ना करे। ठीक है आप जाए, तुम दरवाजा बंद कर लेना, डरो नहीं। अच्छा रशीद 2 मिनट दो, मैं चादर लेकर आती हूँ अपनी। सलाम अलैकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बाप के पास? जी वो मुनीरा के बाद मीरा मेरे ज्यादा करीब आ गई है। वैसे भी ये बच्चे मुलाजमों के आदि हैं। कब मैंने मीरब को खालदा के हवाले इसलिए किया था कि कहीं छोटी बहू ये ना समझे कि मरियम को मुलाजमों के हवाले किया हुआ। वैसे भाई साहब अगर आपने वसीम और मुनीरा को जाने की इजाजत दी थी तो मीरब को भी जाने देते। आप हमारे फैसले को गलत साबित करना चाह रहे हैं। हमने वो माशरा देखा है जहाँ शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं, जहाँ ना अखलाकी कदरें हैं और ना ही लिबास की कोई इज्जत है। अच्छा आप बेटियों का इतना एहतराम करते हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। ये बेटी है हमारी, इज्जत है, इस खानदान की हुर्मत है। वसीम और साकिब भी तो उसी माशरे में परवान चढ़े। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी ना, आज अपने वारिस के लिए आपकी बेटियों के हाथों शर्मिंदा ना होना। मेरी बेटियों की ये मजा? मुनीरा की जिद के हाथों मजबूर होकर वसीम हमसे दूर चले गए, पर माहनूर तो जैसे उन्हें हमारे हर हुक्म पर एतराज है। बेटे की खुशखबरी सुनाकर हम पे राज करना चाहती। ऐसा नहीं है भाई साहब, वो तो सौ सौ सजदे शुक्राने के अदा करती है कि उसने आपको वारिस दिया, गद्दी नशीन दिया। और इसीलिए हम उसकी हर हुक्म दूली को बर्दाश्त करते रहे। नहीं इस मानूर का मिजाज जरा बागियाना है, वो समझती है कि बेटे की वजह से मरियम की अख्तलफी हो रही है। इन्हें समझाइए, हमने बच्चियों को मुलाजमों के हवाले इसलिए किया था ताकि उनकी सेहत ठीक रहे, कोई मुश्किल ना उठानी पड़े, और खैर खैरियत से हमारा वारिस हमारी गोद में आ जाए। ऐसे ही होगा, अगले महीने की 5 तारीख दी है डॉक्टर ने, आपका वारिस आ जाएगा। हमें तो इसके इंतजार में रात भर नींद नहीं आती।
आप भी आराम कीजिए। मेरे मालिक, मेरा मान रखना, एक गुनाह है, एक बेबसर मजबूर माँ ने अपनी बेटियों का घर आबाद रखने के लिए किया, मुझे मायूस न करना। सही कह रही हो तुम, लेकिन आज मेरी शगुफ्ता की जान तुम्हारी वजह से बच गई। चार बेटों के बाद अल्लाह पाक ने आज मुझे चांद सी बेटी दी है, और वो खूबी ये कि दुनिया में तेरे हाथों से तशरीफ लाई है वो। अब तो तू बेटी का बाप बन गया है, अब तो छोड़ दे गुंडागर्दी। छोड़ दूंगा ये गुंडागर्दी या बदमाशी, सारे अपने कारिंदों को दे दूंगा छुट्टी। तेरा गिरोह भी है? अरे अरे गिरोह वो कहां, बस वो चार पांच यार दोस्त है। लेकिन आप तूने आज जो एहसान किया है ना, अगर सीधे को अपनी जान भी देना पड़ी तो हुक्म करियो, दे देगा। अपने वादे पे कायम रहना, हो सकता है कि मुझे तुझसे कोई काम पड़ जाए। कहा ना मैंने कि सीधा अपनी जान भी दे देगा। तेरा घर आ गया। अच्छा तू और शगुफ्ता का ख्याल रखना, कल आके मैं उसका चेकअप कर लूंगी, ठीक है? चल जा तू। अरे अरे तेरा नजराना भाई। नहीं, इसलिए कि मैं एहसान की कीमत नहीं लेती। चल जा तू। कौन कौन है? अरे सफिया दरवाजा खोलो, मैं हूँ फिरदौस। शुक्र है आपा, आप आ गई। क्या हुआ? बेटी, उस औरत की हालत बहुत खराब थी, बस समझ लो लबों पे जान थी उसकी, बहुत तकलीफ में थी। आपा सब सच कहते हैं, अल्लाह ने आपके हाथों में बहुत शफा दी है। सभी यही कहते हैं, मैं तो बहुत थक गई हूँ। अच्छा आप हाथ मुंह धो लें, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं, तुम भी बेआराम हो और मुझे सुबह हॉस्पिटल जाना है, तुम जाके आराम करो, सही है? जी चलो जाओ। मेरी बेटी पूरी रात रोती रही है क्या? मोहब्बत करना गुनाह है क्या? नहीं मेरी जान, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, इबादत है। लेकिन ये तो सोच कि वो लड़की तेरे साथ मोहब्बत कैसे निभा पाएगी, उस मासूम की मजबूरी तो समझ, कैसे चल सकती हो तेरे साथ है? हाँ माँ तू ठीक कहती है। जब मैं ठीक कहती हूँ तो रोती क्यों हूँ? तूने भी तो मुझे इतना मारा है, मेरा जोर जोर दुख रहा है। अच्छा चल माफ कर दे अपनी माँ को। माफी मांग के मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही है? जगासाई से बचाने के लिए, ताकि जमाने वाले तुझ पर ना हंसे, इसीलिए तना मारा। अम्मा बस बस मेरी जान,
बस बस आ जाओ, सो जाओ, सो जाओ, आ जाओ इधर सो जाओ। अम्मा मुझे वो लोरी तो सुना दो जो तुम बचपन में सुनाया करती थी। चल सुनाती हूँ। सो जा लाल पलंग पे सो जा, अम्मी अप्पू आएंगे लाल खिलौने लाएंगे चलते चलते, भूख लगी खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे नाना। सो गई।